नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था क्या होती है। बहुत समय से लोग इस टॉपिक की डिमांड कर रहे थे कि हम जानना चाहते हैं क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो ऐसी ही टॉपिक्स को लेकर मैं आपके साथ हूँ। इसको और डिटेल में मैं डिस्कस करता रहूँगा, मतलब इसको एक सीक्वेंस में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो इतना लंबा ना हो। इसलिए अब एक बार इसको सिचुएशन को पूरा समझते हैं। मृत्यु के बाद नॉर्मली हमारा इस संसार में जो आना जाना लगा हुआ है, एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ जीवन है। कई बार मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये चक्र क्यों चलता है और कैसे चलता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में, धरती पर जब हम मर जाता है कोई इंसान, जिसको जीवात्मा कहा जाता है, तो मरकर वो कहाँ जाता है और कैसे ये आना जाना लगता है, इसके बारे में जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मेरा खुद का अनुभव है, मैंने ये अनुभव कहाँ से पाए हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा, एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा और मेडिटेशन की गहराइयों में जा जाकर बहुत सारे अनुभव पाए हैं। इसमें से कुछ पार्ट मैं प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करता हूं। विशेष रूप से ये ऐसा कुछ अनुभव जिस पे कुछ मेरा अपना LBL एक कंसेप्ट होता है, लाइफ बिटवीन लाइव्स, यानी दो जीवनों के बीच में जो जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं तो उस समय कैसा जीवन होता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है डिटेल में, जहां पर मैंने अपने पास जन्मों का, पिछले जन्मों का जिक्र किया है। तो वो वीडियो भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब किसी इंसान की डेथ होती है, तो अब इसमें तीन तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। बहुत शुभ कर्म जिन्होंने किए हों, बहुत ज़्यादा अशुभ किए हों, या फिर शुभ और अशुभ मिक्स किए हों, अधिकतर लोग इस कैटेगरी में होते हैं। तो ये लोग जब इस संसार से मरते हैं तो क्या सिचुएशन होती है इनकी, क्या हालत होती है। अब इस पे एक चीज़ जो डिपेंड करती है वो है अकाल मृत्यु और काल मृत्यु। ये अकाल और काल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु का मतलब है अनटाइम्ड डेथ, अनटाइमली डेथ। आपका समय नहीं आया था, जितना नेचर ने, कुदरत ने आपके लिए समय लिखा हुआ था उतना समय नहीं हुआ था, लेकिन किसी कारण से आपकी डेथ हो गई। इसे अकाल मृत्यु की कैटेगरी में गिना जाता है। ये कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सडन सिकनेस हो, या कोई भी ऐसी तकलीफ हो सकती है जिससे एकदम से आपकी किसी पर्सन की डेथ हो जाए, तो वो अकाल मृत्यु की कैटेगरी में आता है। चाहे उसने सुसाइड भी किया हो तब भी वो अकाल मृत्यु की कैटेगरी में आता है। और काल मृत्यु का मतलब है टाइम्ड डेथ, जब आप के साथ साथ नेचर भी तैयार है आपको ग्रहण करने के लिए। अकाल मृत्यु का मतलब यह है कि नेचर, कुदरत अभी आपके लिए तैयार नहीं है, उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ आगे प्लान किया हुआ है। जैसे आप किसी इंसान को हो सकता है कि 60 साल जीना है और अभी वो 40 साल की एज में सुसाइड कर लेता है, तो अगले 20 साल तक उसके लिए यहां से जाने का रास्ता नहीं है, वो यहीं अटका रह सकता है बहुत समय तक, 20 साल भी और उससे ज्यादा भी लटका रह सकता है। उपाय भी होते हैं उसको बाहर वापस उस स्पिरिट वर्ल्ड में भेजने के, क्योंकि यहां रहना, जिनको जो यहां जो आत्माएं रह जाती हैं उन्हें अवकाशी आत्माएं कहा जाता है, जो इस संसार को छोड़ के नहीं जाती लेकिन एक्चुअली उनकी फिजिकली डेथ हो चुकी होती है, जिनको हम भूत प्रेत बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन पहले इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो अकाल मृत्यु और काल मृत्यु, अब काल मृत्यु बहुत समझ चाहिए इसके पीछे भी, कि हमारा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। उससे पहले अगर हमने पूरा मैच्योरली संसार को समझा है, जाना है, और डेथ के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, तो अकाल मृत्यु या अकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु के दौरान मन की सिचुएशन अलग अलग होती है, व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब जिसकी कंडीशन जैसी होती है, जैसे कुछ लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग जो विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं सब बकवास है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ऐसे लोगों की जब डेथ होती है और वो उस रियलिटी का सामना करते हैं, अब मेरे हिसाब से तो वो रियलिटी है, क्योंकि मैंने उस सिचुएशन को, पिछले जन्म की मृत्यु को, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जाकर देखा कि जब मैं पिछली बार जब मैं मरा था तो कैसे मरा था और मेरी सोल के साथ क्या हुआ था।
राइट। एक समय में, ये मैं अपना रियल अनुभव बता रहा हूं कि एक समय में जब शरीर छूटा, पिछला जन्म में मेरी मृत्यु हुई थी जब मैं जगाधरी में था, मेरा जन्म जगाधरी में था, तब मैं सिख परिवार से था, तो वहां मेरी एक टाइमली डेथ हुई थी प्रॉपर समय के हिसाब से, तब मेरी एज लगभग 70-75 के बीच में थी और टाइम्ड डेथ हुई थी। तो जैसे ही शरीर थोड़ा सा बीमार था, हल्का सा, बस उसके बाद जैसे ही डेथ हुई तो थोड़ा सा आइडिया पहले से लग गया था कि होने वाला है ऐसा, तो तैयार था, काफी हद तक मन तैयार था। और जैसे ही शरीर छूटा तो शरीर इतना हल्का हो गया था, इतना हल्का हो गया था कि जो भी तकलीफ थी, जो बीमारी थी, खांसी लगी हुई थी या कुछ लगा हुआ था, वो सब चीजें एकदम शांत हो गई। तो शरीर के अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ और एक पूरा शरीर जैसे हवा में उड़ने वाला और सारी की सारी बीमारियों का, सारी की सारी तकलीफों का अंत हो गया। ये अनुभव बड़ा ही मजेदार था, बड़ा ही प्यारा अनुभव था। अब इसमें एक चीज जो थी, जैसे ही ऐसा हुआ उसी वक्त मेरे गुरुदेव वहां पर प्रकट हुए, जो आज भी मेरे गुरुदेव हैं श्री परमहंस दयाल जी, वो प्रकट हुए और तुरंत उन्होंने मेरी बांह पकड़ ली, मुझे संभाला और मेरी सोल को वहां से लेकर चलने लगे। मेरा दिल था कि मैं कुछ समय तक अपने आप को देखूं, तो कुछ समय तक गुरुदेव वहीं रहे, मुझे पकड़कर खड़े रहे। अब ये एक इंसान के उस पर डिपेंड करता है, आप यहां पर आपके कर्म कैसे रहे हैं। आप इस संसार से सबका एक तरीके से जाना नहीं होता, ये मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई, और लोगों की अलग अलग कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। गुरुदेव ने मुझे बताया और मैंने बाद में स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी चीजें जानी कि लोग मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, उनको उस जीवन से बड़ा गहरा मोह होता है, अटैचमेंट होती है। तो शरीर छूट जाने के बाद भी वो उसी के आसपास में घूमते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते रहते हैं, कौन मेरे लिए कैसे आंसू बहा रहा है, कौन कैसे रो रहा है, कैसे कैसे अपनी फीलिंग बता रहा है। वो जाती नहीं है सोल वहां से, और ये हमने भी फील किया है बहुत अच्छे से। अब क्योंकि मेरे केस में, मुझे तो आत्मा के अस्तित्व का पहले से ठीक ठाक से आइडिया था, मैं मेडिटेशन करने वाला था, पिछले जन्म में भी ऐसा था, तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं और बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। तो मेरे लिए सच में जो मृत्यु का अनुभव था, एक आनंद का अनुभव था, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। अब जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो सकती है। खतरनाक क्या है इसके अंदर, इसके अंदर खतरनाक ये होता है कि शरीर, अब वो उस रियलिटी को अपने सामने फेस कर रहे होते हैं जिनको उसने सारी जिंदगी, जिससे वो इनकार करते आए हैं, कुछ नहीं होता है, तो ऐसी ऐसी बकवास चलती रहती है। आज वो देख रहे हैं कि मैं खुद मरा पड़ा हूं और मेरा ही सामने शरीर पड़ा हुआ है। मैं इस पर आपको एक दो वीडियो क्लिप भी शेयर करता हूं, आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक घोस्ट मूवी आई है, बॉलीवुड की एक घोस्ट मूवी है, 1990 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें जो उसमें एक पर्सन, जो उसकी जब डेथ होती है तो वो कैसे अपने शरीर को बार बार टच करके देखता है और कोशिश करता है कि उसको वो छू सके, कोशिश करता है कि वो अपने अपनी वाइफ के आंसुओं को पहुंच सके और उससे बात कर सके, उससे कह सके कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम रो मत, तुम परेशान मत हो, वो सब करता है। लेकिन उस वो अपनी, वो इनविजिबल हो चुका है, अब वो शरीर तो मर चुका है। अब वो शरीर से जैसे ही डिटैच हुआ तो एक जो सिल्वर कॉर्ड होती है, जो मैं कई बार जिक्र करता हूं, जब हम हमारी सोल, जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, तो उस समय में हमारी एक सिल्वर कोर्ड हमारी नाभि से इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। हम जहां मर्जी चले जाएं, जितनी मर्जी दूर चले जाएं, तो एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, उस रोड, उस सिल्वर कोर्ड में वो चीज कनेक्ट रखती है इस शरीर के साथ। तो जहां मर्जी चले जाएं वो कोड बनी रहती है, वो कोड ऐसे नहीं टूटती। वो कोड जब टूटती है, जब हमें भी हमारी रियल डेथ होती है, जब ये कोड टूट जाए उसके बाद आप इस शरीर में एंटर नहीं कर सकते। जब तक वो कोड जुड़ी है तब तक आपका इस शरीर के साथ लिंक है। इसका भी एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से, तो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो मर चुके हैं, वो उनको बार बार एंजल्स आके उनको
अब परमात्मा के फरिश्ते आते हैं जो उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम मर चुके हो, ये देखो तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, ये तुम हो, तुम ये नहीं हो, तुम इससे अलग हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस जैसे दिखते हो लेकिन ऐसे नहीं हो, अब तुम मर चुके हो, अब तुम चलो आगे की यात्रा पर चलो। लेकिन वो इस बात को जानने से इनकार कर देते हैं। अगर वो इनकार कर देते हैं तो उसी शरीर में वापस एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है। और अगर वो पूरी तरह से इस चीज से इस चीज के लिए इनकार कर देते हैं, मतलब चलने से ही इनकार कर देते हैं, तो फिर वो प्रेत रूप में इस संसार में रहते हैं, यानी कि भूत के रूप में रहते हैं, घोष्ट के रूप में रहते हैं। अब उनका शरीर तैयार जो मतलब मर चुका है, उनके सूक्ष्म शरीर उनके पास है। अब भूत प्रेत के अपने कुछ सिम्टम होते हैं, उनके साथ जो क्या हो रहा होता है ये हम आपको थोड़ा और वीडियोज में मैं शेयर करूंगा। क्योंकि जो जीव चलने को तैयार हो जाते हैं आगे की यात्रा के लिए, उनको 24 घंटे के लिए एक बार वहां ले जाया जाता है और उनके कर्मों का हिसाब किताब उन्हें दिखाया जाता है कि पिछले इस जीवन के अंदर तुमने क्या क्या किया, एक छोटा रिव्यू उस समय हो जाता है। फिर वापस गरुड़ पुराण के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, फिर उन्हें वापस इस धरती पर तब तक के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक उसकी 13वीं या चौथा या कोई भी ऐसी धार्मिक क्रिया नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई ना कोई क्रिया होती है मरने के कुछ दिन बाद, जब कंक्लूड किया जाता है, जब सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हमने आपसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, वो तब तक वो पर्सन यहां रहता है। अब जिन लोगों का ये जाने की फीलिंग स्ट्रांग होती है, जिन्होंने इस संसार में रहते हुए ही मेडिटेशन किया होता है, मुक्ति का अनुभव किया होता है, वो तुरंत चल पड़ते हैं। उनको इस संसार से, इस शरीर से कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट वैसे भी नहीं होती, राइट। गुरु नानक साहब ने एक जगह अपनी वाणी में लिखा, कहते घल्ले आवे नानका ते सदे चली राह, कि जैसे ही बुलावा आएगा तो मैं उठकर चल दूंगा, मैंने यहां बैठे रहना है। ये है उन लोगों की बात जिन्होंने अस्तित्व को जाना है, जिन्होंने समझा है, उनके लिए मरना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता। मरना डिफिकल्ट उन लोगों के लिए लगता है जिन्होंने कुछ भी जाना नहीं है, वो डरे होते हैं, बुरी तरह से घबराए होते हैं, वो इस शरीर से और इस दुनिया से और इन लोगों से और इस समाज से इतना ज्यादा अटैच होते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने से इनकार कर देते हैं। इन्हीं को घोस्ट बोला जाता है, भूत बोला जाता है। फिर उन्हें कुछ समय के बाद एक शरीर दे जाता है, प्रेत शरीर, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें फीलिंग सारी होती है, सारी की सारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, लेकिन कर्म इंद्री नहीं होती कोई भी। वो देख पाते हैं लोगों को, वो स्मेल कर पाते हैं, वो सूंघ पाते हैं, वो टेस्ट कर पाते, टेस्ट का मतलब स्मेल के द्वारा सूंघ पाते हैं कोई, लेकिन टच कर पाते हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन इसके अलावा उनको कोई एक्चुअल फीलिंग नहीं होती। तो भूख प्यास भी उनको लगती है, लेकिन उनके पास उस समय खाने को कुछ नहीं होता, न मुंह होता, न इंद्रियां होती, वो खाएं तो खाएं कैसे, तो सूंघ कर गुजारा करते हैं। इनके बारे में मैं और डिटेल में वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन जो जाने को तैयार हो जाते हैं उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है। तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी ले जाने वाले जो एंजल्स होते हैं वो अपने अपने आपकी सोच के हिसाब से होते हैं। कुछ एंजल जो होते हैं वो देवदूत कहलाते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे तो गुरुदेव आए थे, तो गुरुदेव आए थे तो वो तो खुद ही देवों के देव हैं, तो उनसे तो वो तो खुद परमात्मा है, तो कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरे लोग भी होते हैं तो उनके कोई इष्ट होते हैं जिनको उन्होंने जीवन भर प्रेम से याद किया होता है, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं और कोई एंजल्स हैं, तो एंजल्स उनको हेल्प करने आ जाते हैं। अपनापन फील होता है क्योंकि इनके साथ आपने पूरा जीवन निर्वाह किया, तो वही जब आपको लेने आते हैं तो आपको खुशी होती है और बड़े प्यार से हंसते हुए आप चल जाते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनके मन में किसी के प्रति, जैसे मान लीजिए उनके मन में दुर्भावना बची हुई है, मन में बदले का भाव है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग किया था, मरने के बाद भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर उसके मन में ऐसी नेगेटिव फीलिंग है तो वो नेगेटिव एंजल्स को ही इनवाइट करता है। ऐसे एंजल जो दिखने में बड़े भयानक होते हैं जिनको यमदूत कहा जाता है, वो काले होंगे, वो दिखने में वो वैसे ही शेप या वैसे ही शक्ल ले लेंगे जैसी इस बंदे की फीलिंग होगी,
तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के एंजल भी होते हैं जो आपको स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा डिटेल में, जीवात्मा जगत क्या होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए जीवात्मा जगत के बारे में। जीवात्मा जगत का मतलब है वहां पर जहां पर हमारी सोल को लेकर जाया जाता है, जहां पर हमारा हमारा रियल घर है एक तरीके से। तो इस धरती से उस स्पिरिट वर्ल्ड में एक डायमेंशन का फर्क है, उसको अपने गरुड़ पुराण में उसके लिए कुछ डिस्टेंस भी बताया हुआ है कि इतने लाख योजन वहाँ की डिस्टेंस है और इतना समय लगता है वहाँ पर पहुँचने में। ऐसे बहुत सारे डिटेल भी बताई हुई हैं, इसको भी मैं कभी जिक्र करूँगा। लेकिन अभी मेरे लिए मेन टॉपिक जो था कि सोल का यहाँ से जाना कैसे होता है और इमीडिएट सिचुएशन क्या होती है। तो अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितना वीडियो मैंने बताया आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करता रहूंगा। फिर भी आप अपने सवाल नीचे जरूर पूछिए ताकि अकॉर्डिंगली मैं आपको आपके इस सवालों का जवाब दे सकूँ। इसमें मेरे बहुत सारे अपने अनुभव भी शामिल हैं और मेरे क्लाइंट्स के अनुभव भी शामिल हैं। आप भी हमारी थर्ड आई की क्लास में आकर ये सब चीज़ें लाइव भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।